अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। लाइफ विदाउट एन एम्बिशन इज लाइक अ शिप विदाउट अ रूडर। लक्ष्यहीन जीवन बिना स्टीयरिंग के, बिना पहिए के गाड़ी समान है। इसलिए कहीं भी चलना हो तो सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं। चींटी भी बिना सोचे, बिना प्रयोजन के कुछ भी कार्य नहीं करती। अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में लिखा है, मंद से मंद जीव भी बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं करता। प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपी ना प्रवर्तते। लक्ष्य के बिना एक कदम भी उठाना ये मूर्खता है। ये बात सत्य होते हुए भी एक दूसरी बात भी अकाट्य सत्य है कि फल का लक्ष्य करके, फल के लिए आप कोई भी कार्य करोगे तो शायद ही आपको सफलता मिलेगी। स्यादवाद शैली समझना मेरे बोलने की, मैं ये कह रहा हूँ एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। फल की प्राप्ति के लिए फल का लक्ष्य नहीं करना है, आप बीज का ध्यान दीजिए, बीज का संरक्षण करे, संवर्धन करे, उसी को खाद पानी देवे, उसकी रक्षा करे, एक दिन फल आएगा। एक साधे सब सधे, जिसने बीज की रक्षा की बोलो फल आएंगे कि नहीं आएंगे। फल का विकल्प करना पड़ता है कि बिना विकल्प किए भी फल आ जाएगा, बिना विकल्प किए स्वयं फल आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ लक्ष्य के लक्ष्य से कदम थम जाते हैं, लक्ष्य के लक्ष्य से ही कदम में गति आती है और कदम के लक्ष्य से कदम थम जाते हैं। क्या बोला? कदम के लक्ष्य से कदम थम जाते हैं और लक्ष्य के लक्ष्य से कदम स्वयं में चलते हैं। स्यादवाद शैली समझना, जो कदम की तरफ देखता चलेगा वो लक्ष्य की कैसे प्राप्ति करेगा? गिर जाएगा। और जो लक्ष्य की तरफ देख रहा है पैर अपने आप चलेंगे। मैं दोनों बातें कहना चाहता हूँ, हमारा लक्ष्य निर्धारित करने के उपरांत हमको क्या मिलने वाला है इस प्रयोजन को निश्चित करने के उपरांत बार बार हम फल का विकल्प नहीं करें, हम अपना अपना कार्य करें। आज चर्चा हमारी पूजन के फल संबंधी चलनी है, पूजा विधि और फल की चर्चा चलेगी। कल मैंने थोड़ा सा आपको रूपरेखा बताई थी परमार्थ पूजा की, व्यवहार का प्रकरण चलेगा। आप प्रॉपरली इसको फिगर के रूप में बना सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं आप पूजा और उसके दो ब्रांचेस कर सकते हैं आप निश्चय और व्यवहार, और व्यवहार के भी फिर आप दो खंड करेंगे भाव पूजा और द्रव्य पूजा। समझ रहे हैं आप कैसे चार्ट बनेगा? तो निश्चय पूजा में आप क्या लिखेंगे? आत्मा का आश्रय करना, ये भगवान की निश्चय पूजा, निश्चय भक्ति, निश्चय भजन है। और व्यवहार में क्या लेंगे? व्यवहार में भगवान सरीका होने का भाव, भगवान सरीका हूँ ऐसा भाव तो निश्चय पूजा, समझ रहे? और भगवान सरीका होने का भाव एक, वो व्यवहार पूजा। और भगवान के गुणों का अनुवाद
वह भी व्यवहार पूजा, व्यवहार में भी भाव पूजा में जाएगा वो सब प्रकरण। भाव में आ रही ना, भाव में शुद्धता आ रही है और तदनुरूप शरीर की क्रियाएं, वचन के बोल, ये जाएगा, बोलिए, द्रव्य पूजा में। कितने जनों को ये प्रकरण समझ में आया? निश्चय और व्यवहार, व्यवहार में दो पार्ट्स बनाए, भाव पूजा, द्रव्य पूजा। द्रव्य पूजा शरीर की क्रिया है, अजीव तत्व है, कोई फल नहीं। लेकिन जिसके निमित्त से ये शरीर की क्रियाएं, वचन की क्रिया होती है, उस भावों से पुण्याश्रव होता है, पुण्यबंध होता है। लेकिन सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है, सच्चे मोक्ष मार्ग के साथ चलते हैं सहचारी है वे, उन पर मोक्ष मार्ग पने का आरोप भी आता है। आरोप तो कदाचित क्रियाओं पर भी आ जाता है। और जो परमार्थ बैठा है अंदर में आत्मस्थिरता, वो है निश्चय पूजा। मैंने ये कहा था कि व्यवहार पूजा विधि देखने के लिए के पूर्व हम थोड़े फल की चर्चा करेंगे, क्योंकि विधि का पेटा थोड़ा बड़ा है, तो फल की आज हमको चर्चा करनी है। पूजा का फल क्या होता है और भगवान से क्या मांगा जाता है? पहली बात तो यह है, मांगना ये सज्जनता भी नहीं है। मांगना एक बात तो पहली तो यह है, भगवान कुछ मांगने से दे ही नहीं सकते, उन्होंने अपना छोड़ा, तुम्हें कहाँ से देंगे। और दूसरी बात यह है, मांगना ये सज्जनता नहीं है, ठीक है। तुलसी बोलो, मैंने कहा था तुलसी कर ऊपर कर करो, कर तल कर ना करो, जा दिन कर तल कर करो, वा दिन मरण करो। कभी नहीं सुना आप लोगों ने? अगेन, तुलसी कर ऊपर कर करो, हाथ के ऊपर हाथ करो, मतलब देने की भावना रखो जीवन में। कर तल कर ना करो, मतलब हाथ के नीचे हाथ नहीं रखना, मतलब मांगने की वृत्ति छोड़ दो। और जा दिन कर तल कर करो, वा दिन मरण करो। इवन साहित्यिक भाषाओं में कई साहित्यिकों ने मांग का बहुत निषेध किया। ये मुस्लिम अनुसूचित जाति के ये कवि, लेखक, साहित्यिक, उन्होंने भी इतना कड़ा रूप अपनाया कि मांगना अच्छी बात नहीं है। रहीमन वे नर मर जाए, जो दूसरे घर मांगन जाए। वा के पहले वा वे मरे, जिनके मुख से निकसत नाए। क्या बात कही रहीमन का ये कहना है कवि का, वे नर मर जाए जे दूसरे घर मांगन जाए। दूसरों घर को मांगने जाना कोई चीज, अरे उससे पहले मरण क्यों ना आया हमको। और एक बात कह रहे, ठीक है कदाचित आ भी जाए कोई मांगने के लिए, तो कहते मांगने के लिए आया और हमने मना कर दिया, नहीं है हमारे पास कुछ भी देने के लिए, तो उससे पहले वो मरना चाहिए। दोनों को कोसा है बहुत रूप से, आप समझते हैं। एक तो देने वाला गया, के मांगने वाला मांगने के लिए गया कैसे, और मांगने गया तो गया, देने वाले ने ना कर दिया और बड़ा आश्चर्य हो गया। शांतिनाथ भगवान के का पुराण एक लिखा गया है, सॉरी धर्मनाथ भगवान का एक पुराण लिखा गया, धर्म शर्म्योभ्योदय, कवि हरिश्चंद्र द्वारा लिखित यह ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें एक कालिदास का एक ग्रंथ है, मैं क्या नाम अभी भूल गया, कौन सा एक बहुत बड़ा एक महाकाव्य है उनका, मेघदूत, सुना है मेघदूत? तो बिल्कुल हूबहू मेघदूत की कॉपी, उसी शैली में लिखा गया एक ग्रंथ है। उसमें धर्मनाथ भगवान के काल का थोड़ा सा वर्णन किया, वर्णन करते समय वहाँ के राज्य नगरी का वर्णन चल रहा है। मैं इतना सारा क्यों सुना रहा हूँ आपको? फल, और वैसे कौन से प्रकरण को उजागर किया मैंने? मांगना, मांगना कितना दर्दनाक है, भगवान को कुछ भी मांगना। मैं तो ये कह रहा हूँ साहित्य में कवियों ने इसको बर्दाश्त नहीं किया, ये मुझे बताना है। तो वहाँ का वर्णन करते समय ऐसा लिखा,
कि उस समय में सबसे हीन दो अक्षर माने जाते थे, दे दो, देहित दुरक्षरम द्वयम, दुरक्षर दो माने जाते थे उस जमाने में। कौन से? दे दो, सबसे खराब शब्द हल्की डिक्शनरी में, मतलब हल्के शब्द गाली के रूप में होते ना, एकदम हल्के शब्द जो हमारे दिल को चीर देवे, वो ये शब्द होते थे। दे दो कहने के, दे दो जिसने बोला उसको मानो सबने मिलके गालियां सुनाई। क्यों? क्योंकि दे दो ये कितना कितना पामर हो गया, ये जी मांग रहा है। तो उस जमाने में उन्होंने ये बात रखी है कि उस समय ये स्थिति थी, दातरों की लाइन लगी रहती थी देने के लिए, लेकिन कोई पात्र ही नहीं मिलता था। आज जो स्थिति है, जगह जगह लोग मांगते फिरते, साहब हमको इतने पैसे की आवश्यकता, आप हमारे ये दे दो वो दे दो हमारे लिए। और फिर दातर ये कहते हैं कि हम सोचेंगे विचार करेंगे देखते क्या होता है। समझते हैं सब? वहां पर परिस्थिति विपरीत थी, अपने पैरों के ऊपर खड़े रहकर दरवाजे के बाहर घंटों खड़े रहते थे दातार, काय के लिए? सामग्री लेकर खड़े रहते थे और एक एक का मुंह देखते थे आते जाते। क्यों? वे जानते थे जो गरजी होगा, जरूरतमंद होगा, नीडी पर्सन होगा, मांगेगा नहीं, वो भी हमें अमुक चीज चाहिए। क्यों? स्वाभिमान की पराकाष्ठा थी उस समय में। मैंने बोल रहा हूं ना, देहित दुरक्षरम द्वयम, दे दो कोई नहीं बोलता था, बोलने की छोड़ो शक्ल भी ऐसी नहीं बनाता था। समझ में आता? नहीं तो मुंह से तो नहीं मांगना, और ऐसी कोई क्रियाएं करना जिससे सामने वाले को ख्याल में आए, तो ये भी एक प्रकार का दोषी है ना। तो कहते हैं कोई जरूरतमंद है ये पता ही नहीं चलता था, तो गौर से देखना पड़ता था एक एक के चेहरे की तरफ कि इसके भावों से कुछ झलक रहा है क्या, कि ये नीडी पर्सन है कि नहीं। और फिर कदाचित उन्होंने किसी को पूछ लिया, मांगेगा तो कोई नहीं, स्वयं पूछ लिया कि भाई आपको आवश्यक हो सामग्री, भाई हमें बहुत इच्छा है कोई देने की। प्राय तो नहीं बोल लेते थे, जरूरतमंद भी नहीं बोल देते थे। क्यों? क्यों? स्वाभिमानी थे, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत था उनको। और कदाचित वे मौन रह गए तो वे समझ लेते थे ये गर्जी है, तो तब वे ये अनुभव करते थे क्या, हाय हाय इनको आवश्यकता थी, हम इतने दिन इनको पूछ नहीं पाए आवश्यकता के बारे में, क्या मरने के बाद हमको नरक की सातवीं पृथ्वी मिलेगी क्या? What they underwent, are you experiencing? Are you undergoing what they underwent? वे उन पर क्या बीतती थी कि कोई योग्य जीव हो हमारे राज्य में और हम पहचान नहीं पाए आज तक, उसको दे नहीं पाए गर्जी को, ओ अब हम साक्षात सातवीं पृथ्वी मिलेगी मरने के बाद। मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं? मांगना कितना खराब था, ठीक है। रहीमन ने एक दोहा लिख दिया, कौन बढ़ाई जल्दि मिली गंग नाम की भौन, काही काहू की प्रभुता नहीं घटी पर घर गए रहीम। अर्थ समझना भारी पड़ गया होगा अभी, क्या बोला? अगेन लेटर रिपीट, किसने पूरा लिख पाया? कौन बढ़ाई जल्दि मिली, इसमें क्या बड़प्पन हो गया? जल्दि मतलब सागर, सागर में मिल गए तो क्या बड़प्पन हो गया? कौन बढ़ाई जल्दि मिली गंग नाम की भौन, गंगा को ये कह रहे हैं, हे गंगा कौन सा बड़प्पन हो गए जो तुम सागर में मिल गए, तुम्हारा नामो निशान मिट गया, अब तुमको कोई गंगा नहीं कहेगा। तो नाम ही नहीं मिटा है, नाम के साथ साथ बोलो बोलो पवित्रता पूज्यता मिट गई तुम्हारी, जो तुमको मस्तक से लोग लगाते थे, तुम्हारे स्पर्श से स्पर्श को भी अवभाग्य मानते थे, खत्म हो गया। सागर में मिल गई, सागर में मिल गई, क्यों नाच रही हो?
कौन बढ़ई जल्दी मिली गंग नाम की भवन। काहू की प्रभुता नहीं घटी पर घर गए रहीम। क्या अर्थ हुआ इसका? जो दूसरों के घर जाता है उसकी प्रभुता नहीं घटेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? है कोई आज तक जिसकी प्रभुता नहीं घटी? अर्थात प्रभुता घटती ही घटती है। ठीक है, मांगना हमारी संस्कृति में सबसे हल्का माना गया है। महाभारत का थोड़ा सा एक प्रकरण को मैं याद दिलाऊंगा आपको। पेंसिल किसी के पास है? महाभारत का एक घटना आती है कि कौरवों और पांडवों का युद्ध छिड़ गया। कर्ण हर प्रकार से भारी पड़ गया था सबको, सभी पांडवों को। क्या किया जाए, रास्ते के कांटे को कैसे साफ किया जाए, ये प्रश्न घूम रहा था। अचानक ख्याल में आया कि कर्ण है तो दानशूर, जो भी उसके पास जाता है खाली हाथ लौट के आता नहीं है, ये हम जानते हैं। आधी रात षड्यंत्र किया, कृष्ण के कहे अनुसार माँ कुंती को भेज दिया गया, जाओ कर्ण के यहां। वैसे आधी रात कुंती कर्ण के पास चली गई। आधी रात में ही क्यों गई? दिन में तो युद्ध छिड़ रहा है और फिर नाक का भी सवाल है, तो आधी रात गई और बोली कि वो काय के लिए जा रही थी। वो कृष्ण ने यह कहा था कि तुम उससे कवच मांगना, अपना आर्मर, क्या कहते उसको, आर्मर कहते ना उसको, कवच को, हाँ, युद्ध में पहनते आर्मर कहते, आर्मर, तो तुम मांगना जाकर। कर्ण सो गया था, कुंती आने को ही थी, कर्ण को स्वप्न आया। एक स्वप्न में उनके पिताजी ने स्वप्न में बोला कर्ण को, सूर्य पुत्र कहते हैं ना कर्ण को, आपने सुना होगा सूर्य पुत्र, वे मानते हैं, अपन जैन संस्कृति तो मानने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। सूर्य पुत्र थोड़ी था वो, तो वो कहा कि वो मांगने आएगी, तुम बिल्कुल नहीं देना कवच, पिताजी ने कहा। खड़े रहो तुम, चलो पीछे पीछे जाकर खड़े रहो। तो ये सब आपके मेरिट में गिना जाएगा, परफॉर्मेंस के रूप में। ये पेंटिंग अक्षरों की मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। पेंटिंग, पेन बदलना, मेरे को ये कुछ आवश्यक नहीं है। अब तो उपयोग दो, ये मेरे लिए आवश्यक है। आप उसको कितना अट्रैक्टिव बनाते हो नोटबुक को, ये सेकेंडरी सब्जेक्ट है। बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो ठीक, लेकिन आपका अटेंशन प्रॉपर होना चाहिए पूरा लिखने में। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम हो कोई उसको करे, उसमें मेरी मना नहीं है, लेकिन उसको कोई, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा सब सचमुच बिल्कुल कुछ भी नहीं है। समझ में आता है? मैं क्यों न जाने, मेरी थिंकिंग ही पहले से ऐसी है। अभी जैसे मैं आपको नाम लेके बताऊँ, आपने छह डाला सब सबमिट करी होगी वहाँ पर, तो इतना सारा सब गट्ठा आ गया उनके पास, सबकी चेक करनी है। तो सबसे पहले छटनी 10 की उन्होंने की, हैंडराइटिंग देखकर, हैंडराइटिंग और पूरा भरा देखकर। क्यों? खराब हैंडराइटिंग वाला योग्य पुरुषार्थी नहीं हो सकता क्या, प्रश्न है मेरा, आप समझ रहे? वो सबकी हैंडराइटिंग वैसी थोड़ी हो सकती है, भावों की कीमत है यहां पर। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, चारा इसमें नहीं डाल रहा हूँ कि हैंडराइटिंग खराब होनी चाहिए, एक कहने की बात है मेरी। आप कितना अट्रैक्टिव बनाते हो वो आउटलाइन और अंडरलाइन और फालतू बातें नहीं करो आप, ये बराबर उसी में लगा है पेंटिंग में, और बहुत टाइम से देख रहा हूँ मैं उसको। सेंस नहीं, मतलब नहीं, मेरा उपयोग फिर चला जाता है, फिर ऐसा लगता है छोड़ो उसको, अपना अपना पढ़ाओ,
फिर लगता है इसके साथ अन्याय हो जाएगा, अपन इसको नहीं टोको, इसके माता पिता ने अपने भरोसे छोड़ दिया यहाँ पर, अपन नहीं टोको तो ये भी अन्याय हो जाएगा। सुधरने के लिए भेजे कि बिगड़ने के लिए भेजे? कहाँ तक आए? कहते पिताजी ने बोल दिया कि तुम कवच मत देना, गलती से भी कवच दिया और तुम मरे, तुमको वरदान में मिला ये कवच, भूलना नहीं। तो उन्होंने नींद में ही पिताजी को पूछा, आप मेरे पिता हो कि कौन हो, आप मुझे ऐसा उपदेश देते हो, कोई मांगने आए तो उसको मना करना, आप कैसे पिता हो मेरे? तो ठीक है, बोले ठीक है, मैं तुम्हारे आदत से परिचित हूं, तुम बाज आने वाले नहीं हो, तुम फिर एक काम करना। और क्या करना? फिर तुम नहीं मना कर सकते उसमें, तो तुम बदले में गांडीव मांग लेना। जानते हो ना आप गांडीव? ये सबसे बड़ा एक अस्त्र था जो अर्जुन को प्रकट हो गया था, उसमें भी एक दैवी ताकत थी, ब्रह्मास्त्र वगैरह कहते इन अस्त्रों को। एक कहीं कुछ काम नहीं करे तो यह अस्त्र काम करते हैं, ठीक है। तो तुम मांग लेना, भी इस बात पर अड़ गए, तुम आप मेरे को मांगना सिखाते हो, मांगना मुझे हरगिज पसंद नहीं है, मर जाओगे, मरने की कीमत पर भी मैं मांगूंगा नहीं। उठा, आया कोई, आया दूत आए और तुरंत उठाया मंत्री आकर कि भाई उठो, आपको मिलना चाहते हैं कुंती, बुलाओ, क्या चाहिए? कवच मांगने के पहले खोलना चालू किया, क बोलो और कवच सामने, और बोलो क्या चाहिए, जो दिखता है सब ले जाओ। यह ऐसी संस्कृति में हम पलते हैं जहां पर मांगना नाम मांगना पसंद नहीं। मैं तो लोक में भी और आपको खूब बता सकता हूं, सुनना है आप लोगों को, सुनना है कितने जन को सुनना है? ये तुलसीदास का नाम कितने जन ने सुना? तुलसीदास की क्या विशेषता है? गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी मतलब कम स्वामी और गोस्वामी वाला गोस्वामी है ये। गोस्वामी तुलसीदास ने एक रचना लिखी, कौन सी? रामचरितमानस। राम का चरित्र है उसमें, पूरा वो नाम ही निश्चित करता है। उसमें तुलसीदास की हालत क्या थी आप सब जानते होंगे, पत्नी भक्त था, जीवन पलटा खा गया था, तो पूरी राम की भक्ति करने लग गया था, रामायण ही रामायण लिखता रहता था तुलसीदास। फिर वो इतना राम में इतना लीन हो गए वो तुलसीदास कि लोग उसी को राम कहने लग गए, जैसे गुरुदेव को समय सार कहने लग गए, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी को भी समय सार कहने लग गए, समय सारी कहकर चढ़ाते थे, किसको? शीतल प्रसाद जी को समय सारी। अभी भी काल निकला, कोई समय सार पड़े, समय सारी, समय सारी। तो जो रामायण लिखे उसको राम कहा जाने लग गया। आप समझते हैं, अपने यहां आगम निक्षेप एक बताया गया है, उस आगम निक्षेप का यही नियम है, जो जिसको लिखे जिसका ज्ञानी हो उसको वही संज्ञा मिलती है। समझ में आता है? आत्मा की बार 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 बात करे तो उसको संज्ञा दी जा सकती है, आत्मा। हाँ आत्माराम जी, जय जिनेन, जय जिनेन, क्या बात है, इनका नाम आत्माराम थोड़ी है, नहीं आत्मा, आत्मा बहुत रट लगती है इनकी, समझते हैं? तो वे जब भी भिक्षा मांगने जाते थे कहीं उनकी अपनी परंपरा से भोजन करने के लिए, तो लोग में ये बात चलने लग गई, ए राम आ गए, राम आ गए भिक्षा के लिए। तो उनको इतनी तकलीफ हुई सुनकर, क्यों तकलीफ हुई? मेरे नाम पर भगवान बदनाम हो रहे हैं, क्यों? लोग क्या कह रहे हैं, राम कभी भीख मांगता है क्या? तो उन्होंने भिक्षा मांगना ही छोड़ दिया, राम बदनाम नहीं होना चाहिए। राम कब मांगने जाता है किसके घर? मांगना पसंद नहीं, क्या है जिन धर्म जाचे नहीं, क्या जिन जो जिन धर्म में प्रवेश करते वो मांगता नहीं है। अपने यहां एक बारह भावना में लिखा है, बोधि दुर्लभ भावना में, क्या बिन चिंतत बिन बिन चिंतये, क्या है वो, धर्म सकल
सुखदेन क्या है वो? बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुखदेन है। अपने एक भावना नहीं जानते आप बोधि दुर्लभ भावना में कौन से राजा राणा में है क्या ये कोई नहीं कैसे जानता फिर राजा राणा छत्रपति कोई नहीं जानता तो उसमें है ना ये कि उसकी नहीं है ये बात पक्का तो ये कैसे नहीं बोल पा रहे कोई भी बोल नहीं पा रहा इसको। तो देखिए कल्पवृक्ष से भी रत्न चिंतामणि से भी मांगना पड़ता है ना मांगना बर्दाश्त नहीं। पेड़ से छाया बोलो मांगने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ के नीचे जाने पर छाया मिलेगी यह बात दूसरी है। प्रकरण फल का चल रहा है भगवान की भक्ति करने से क्या फल मिलेगा तो क्या फल मिलेगा यह सोचकर जो जाएगा उसको 100% कुछ भी फल नहीं मिलेगा यह बात पक्की है। और जिना जो बिना मांगे जाएगा उनको 100% मिलेगा यह बात पक्की सत्य है। मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा और नहीं मांगने से 100% मिलेगा दोनों बातें सत्य है। समझ रहे हैं आप सब? एक भिखारी था मंदिर के बाहर खड़ा था भीख मांगता था साहब पैसे दे दो पैसे दे दो। वैसे जिन मंदिर के बाहर शायद ही कभी किसी ने भिखारी देखे होंगे और जब वो आदमी अंदर जाने को हुआ तो उस आदमी ने झिल्ला कर उसको बोल दिया तुम क्या मांगते पैसे चला गया अंदर। मैंने बताया था कि आपको भगवान के दर्शन करने लग गए लौट कर जब आ रहा था तो भिखारी क्या बोला उस आदमी को मालूम? भिखारी बोला उस भगत को दर्शनार्थी को सब आप कितने बड़े भिखारी हो और मूर्ख भिखारी हो मैं बुद्धिमान भिखारी हूं। बोले क्यों? जबान संभाल के बात कर। उन्होंने कहा दिमाग संभाल कर सोचो। बोले मैं तो इसलिए बुद्धिमान हूं आप लखपति करोड़पति हो करोड़पति से मैंने 1 रुपये मांगा सो मेरा क्या अपराध है और जिसके पास 1 रुपये भी नहीं है आप मैंने चोरी छिपे सुन रहा था आप उससे बोल रहे थे करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरी छूट जाए मैं आपको 1 रुपये चढ़ाऊंगा जिसके पास 1 रुपये भी नहीं रखता उससे तुम कितने की भीख मांग रहे करोड़ों की और मैं तो करोड़पति को 1 रुपये मांग रहा हूं मैं कहां मूर्ख हूं। आप समझते हैं भगवान को मांगने वाला भगवान के साथ सौदेबाजी। मैंने बोला था ना आपको इसका फल अच्छा नहीं होगा। और हम थोड़ी सी कल्पना करें कि भगवान यदि वास्तव में देने लग जाए तो क्या यह व्यवस्था ठीक होगी? क्या ठीक होगी? देने लग जाए मतलब मान के चलो कोई केस में फंस गया है अब फटाफट वो दौड़े भगवान की शरण में आए और ये कहे हे भगवान मेरे से गलती हो गई मुझे माफ कर देना और भगवान उसको माफ कर देने लग जाए तो ये न्याय होगा कि अन्याय होगा? भगवान ने ही स्वयं वस्तु स्वरूप का बखान किया यह कहकर क्या किया है स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। जैसा बीज बोएगा वैसा तो होगा ही होगा है ना। जो जस करी तस फल चाका। भगवान यदि माफ कर देगा तो सबसे हत्यारा अपराधी कौन होगा? बोलो लाइन पूजन की। अरे बोलो पूरी लाइन। शरण जो अपराधी को दे अरे अपराधी वह भगवान। मतलब हमको यहां पर कहते हो करुणा महापाप है और तुम करुणा करने लग गए। अब समझ रहे सब मेरी बात को? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं बहुत अच्छी मेरी घटना सुनाता हूं आपको आपको अच्छी लगेगी। उसमें थीम निकालूंगा मैं कुछ। वैसे कवि की याद आ रही मैं कवि की पहले एक बार बता दूं फिर मेरी सुनाऊंगा। कवि ने तो एक जगह ये लिख दिया हे भगवान तू क्या कर सकता इंसाफ जब भगत की एक नमस्ते पर कर देता है उनकी सभी गलतियों को माफ। हे भगवान तू क्या कर सकता इंसाफ एक नमस्ते में तू बिक गया हे भगवान एक नमस्ते में बिक गए नमस्ते में। समझ में आ रहा है? एक कवि ने तो ये लिखा हे गंगा मैया तू पाप नाशिनी नहीं बोलो
तू पाप प्रचारिणी हो गई। क्या हो गई? पाप प्रचारिणी। समझते हैं किसे कहते हैं? कहते हैं आज तक लोग बहुत डरते थे पाप से, बहुत डरते थे पाप से लोग, लेकिन ये जब से पता चला है जो भी गंगा में डुबकी लगाएगा उनके पापों का नाश होगा, तो न जाने पाप क्या हो गया है, पाप की बाढ़ आ गई है। और वो पूरी पाप की बाढ़ किसका किसकी शरण ले रही है? वो गंगा में डुबकी लगा रही है। क्यों? वहां पर लाइसेंस मिल गया ना। पहले जमाने में लोग सफेद कपड़े पहनते तो बहुत ध्यान रखते थे। आज थोड़ा कीचड़ में खेलने लग जाए हम उसको मना करें तो फटाफट वो कहते हैं सर पे एक्सेल है ना। समझ में आता है? सर पे एक्सेल निकलना हमारे लिए एडवांटेज हुआ कि डिसएडवांटेज हुआ? कर्स और बून। क्या? कर्स। वरदान शाप, शाप है कि वरदान है डिटर्जेंट निकलना? अरे लोग अभी लापरवाह हो गए ना। अब जानते हो ये स्त्री के साथ संभोग होता है तो जो ज्यादा स्त्रियों के साथ संभोग करता है या जो स्त्री ज्यादा पुरुषों के साथ करती है उसको एक रोग होता है HIV। जानते हो आप? HIV एक रोग निकला है। एड्स कहते उसको, एड्स। आपने नहीं सुना कभी? कितने जनों ने सुना है? सुना है। तो ये केवल वो कुशील सेवन से होता है। अब देखो ये इतना दर्दनाक रोग है, रोग हुआ और फटाफट मर जाता है आदमी, एकदम वीक होने लगता है इसका। सब एकदम डर जाते थे और उससे थोड़ा कंट्रोल में आ गया। क्या कंट्रोल में आ गया? नहीं बाबा, हम पर स्त्री सेवन नहीं करेंगे। एक पुरुष ने ज्यादा स्त्रियों से सेवन किया बस उसको हो जाएगा वो रोग। नहीं बाबा, हम नहीं करेंगे। अभी गवर्नमेंट ने एक दवा बना दी है, घबराओ मत, कोई नहीं मरेगा और दवा से सालों जिएंगे अभी आप। ये अच्छा किया कि बुरा किया? मैं ये नहीं कह रहा हूं बुरा किया, अच्छा। मैं ये कहना है उसको देख देख कर, गवर्नमेंट का कोई उद्देश्य खराब नहीं था। उनका कहना था जिनसे गलती हो गई है बेचारों से वे क्यों मौत के घाट उतरे, वे बच जाए। लेकिन उस दवा को लेकर, क्योंकि दवा है ना, आप किसकी चिंता करना, इसके लिए थोड़ी ना दवा बनाई। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं क्यों बता रहा हूं इतना सारा? हे गंगा मैया, तू तो पाप प्रचारिणी हो गई। जब से लोगों को पता चला है गंगा डुबकी लगाने से, गंगा स्नान से पाप धुल जाएगा, बस पाप बढ़ रहे हैं और डुबकी लगा क्या रहे। गंगा नदी में खूब नहाया, गंगा नदी में खूब नहाया, मन की मैल न धोई। जग क्या है वो, क्या है वो? जग के सब साथी, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। नहीं सुना आपने वो सॉन्ग? अभी नहीं सुना है तो फिल्मी सॉन्ग है जो मैंने गाया, लेकिन उसकी थीम अच्छी है। ये मैं क्या बता रहा हूँ वैसे, क्या बताना है? मांगना। और भगवान यदि ये काम करने लग जाए तो सबसे बड़ा अपराधी ये भगवान होगा। क्यों? बचाने लग जाए फिर भगवान के पास यही फिर काम हो जाएगा धंधा। लोग आ जाएंगे अपराध करके और फिर हे भगवान हमको माफ कर दो, और फिर सामने वाला कितना परेशान होगा फिर, पकड़ रहे? समझते हैं? क्यों? आपने कोई गलती कर दी और आपको किसी ने माफ कर दिया, आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा ही? अच्छा लगेगा। क्यों? आपकी किसी ने जम के पिटाई करी और फिर वो जाकर माफी मांगने के लिए उनके पास खड़ा रहा, उनको माफ कर दिया, अब कैसा लगेगा तुमको? कैसा लगेगा? फिर तुमको माफ किया था तब दूसरों को कैसा लगा होगा? तो न्याय क्या है? न्याय, न्याय ये है कि सजा मिलना चाहिए। कितने जन समझ रहे बात को? मैं तो मेरी घटना सुना रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है। मैं सुबह धर्म की रुचि मुझे लग गई थी, ये तब की बात है, 12 साल पहले की बात होगी। मैं सुबह सुबह निकला टहलने के लिए, 12-13 साल हुए होंगे, ज़्यादा तो
सवाल ही खड़ा नहीं होता। सुबह सुबह टहलने निकला तो जाते जाते एक आदमी मिला और एकदम रूप उसका एकदम ऐसा अटपटा था रूप। तो देखा, रुको, रुक गया। बोले, आपका नाम ये है? मैंने कहा है। उसने मुझे मेरा पूरा एड्रेस बता दिया, मेरे बारे में पूरी डिटेल्स बताने लग गया, आपके घर में इतने मेंबर है, ऐसा है, आप इस जगह रहते हो, ऐसा है, पूरा पूरा बताया। मैं समझ नहीं पाई ये चाहता क्या है मेरे से। तो उसने बोला, ठीक, 8 दिन बाद आपके घर में से 2 जनों की डेथ होने वाली है। हम थे ही 4 जन सब मिलके। मैं, मुक्ति की मम्मी और माता पिता, 4 जन तो थे ही तब, उस समय में बात है, 2 जन खत्म होंगे। एक काम करो, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, आप ये आने वाले गुरुवार को ये करना, ऐसा करना, ऐसा करना, नारियल, चंदन, मंजन, अंजन सब कहने लग गए थे, सिंदूर, फिर इतने जन को खाना खिलाना, ऐसा ऐसा सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे धर्म की नई नई रुचि लगी थी, बहुत जोश था, जोश तो आज भी कम तो है ही नहीं कुछ। तो मैंने उसको जोश में बोला, मैंने कहा, देखो, यदि पूर्व में मैंने कोई गलती की होगी तो उसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। यदि भगवान भी आकर मुझे खड़ा रहकर पूछे क्या चाहते हो, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे मेरा फल मिलना चाहिए। क्योंकि बीज बोने के बाद फल नहीं मिलता, यदि ऐसा पता चलेगा तो कितनी अराजकता लोग में फैल जाएगी। बात एक। दूसरी, यदि पाप का बीज बोकर उसका फल नहीं मिलेगा, बोलो, बात को कौन पूरी करेगा? तो पुण्य का फल बोकर भी उसका फल नहीं मिलेगा। और एक बात, तो धर्म करके भी उसका फल नहीं मिलेगा। और मैंने सोचा, कितनी मुश्किल से अब हमको धर्म की रुचि लगी है, पुण्य के दिन आए हैं, तो अब इस पुण्य का भी फल से वंचित रहना पड़ेगा फिर हमको। जो पाप के फल से वंचित रहना चाहता है, बोलो, वे पुण्य के फल को भी, धर्म के फल को भी नहीं भोग सकता। पुण्य का फल तो बहुत तुच्छ बात है, धर्म का फल, आत्मानुभूति, मोक्ष नहीं प्राप्त होगा उसको। समझ रहे? मैंने कहा मिलना ही चाहिए। मैंने कहा सुन, मैंने कहा किसको पूछने की बात कर रहा है? तो कह रहे फला फला फला। तो मैंने कहा सुन, मैं जाकर वहां पर, वहीं पर जाऊंगा। मैंने कहा जाऊंगा तो, और वहां पर भरे, मैंने कहा जो भी लोग होंगे सबके सामने एक चैलेंज देकर आऊंगा, तुम में ताकत हो तो करो, मैं प्रार्थना करने आया, तुम करो, मैं तुमको किसी प्रकार कुछ भी नहीं चढ़ाऊंगा, तुम्हारी भी ताकत लगा दो। और कर्म की तो ताकत, वे लोग में मारने वाले ताकत लगा रहे, तुम्हारी ताकत मिला लेना, कुछ नहीं हुआ ये, मैं जिंदा। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? क्यों? मांगने से यदि भगवान देने लग जाए तो अनीति, अन्याय फैल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताने वाला हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से अभी कुछ आधार का हम स्वाध्याय करेंगे, 2-3 पॉइंट्स में दिखाऊंगा, तो फिर हमारा अगले पीरियड से नया प्रकरण चालू हमको करना है। 2 बातों की सिद्धि हमको करनी है। क्या? मैं ये कहने वाला हूं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। 2 बातें सिद्ध करनी है। क्या? बिन मांगे मोती मिले, एक ये सिद्ध करना, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे मोती मिलते हैं, और मांगने से भीख तक नहीं मिलती, लोग ठोकर दे देते, एक कोने में जाकर गिर जाता है। ए, आप समझ रहे मेरी बात को? आगे बढ़ना है, थोड़ा सा ये प्रकरण में पढ़ के देखो। देखिए पेज नंबर 7 आप खोलेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आगम, ये होते ही फिर से एक बार जाके आना, मेरे को फिर 2 घंटे और बोलना है ना, मेरे को फिर हाँ कौन तो बोलो उनको, फिर उनको बोलो, मुझे फिर बाद में तकलीफ होती है, मुझे खींचना पड़ता है बहुत। मुझे क्या बोला मैंने? हाँ, 2 बातें सिद्ध करनी है। पहली तो मैं ये सिद्ध करूंगा
कि भगवान की शरण में जो जो आएगा उसको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ठीक है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, पाप का नाश होगा। एसो पंचन मुक्कारो सव पाव पनासनो, पाप का नाश होगा। समझ में आता है? लेकिन देखो, अभी मैं थोड़ा पहले पढ़ लू यहां से प्रश्न देखो। और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है भगवान से, भुक्ति मुक्ति दातर कहते हैं ना, भुक्ति मुक्ति दातर। कल मैंने बोला था ना, यहां से द्वार तो खोले थे भुक्ति मुक्ति दातर के। तो शंकर ने शंका पूछी है, अब भगवान के दर्शन आदि से मोक्ष की प्राप्ति होती है ये तो हमने जाना, अपने प्रकरण पढ़ा है ना अरहंत अधिक से प्रयोजन की सिद्धि, उसी को पढ़ के दिखाऊंगा थोड़ा। देखिए पेज नंबर 6 लास्ट लाइन, इसीलिए अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घातक घाती कर्मों की हीनता होने से सहज वितराग विशेष विज्ञान प्रकट होता है। कितने जनों को समझ में आया प्रकरण? यहां पर क्या कहा? अरहंत आदि के स्तवन भक्ति से क्या मिलता है? क्या बोल रही है यहां पर? यह लिखा है घाती कर्मों की हीनता होने से सहज वितराग विशेष ज्ञान होता है, मतलब यहां पर एक बात कही उन्होंने, समस्त कषाय मिटाने का साधन है मुक्त, मुक्त होना। मुक्ति का उपाय क्या? भगवान को पूजना। शंकाकार के मुंह में एक पानी छूट रहा है और उसकी नियत बिगड़ गई है थोड़ी सी, और एक प्रश्न पूछ बैठा। वो तो ठीक है, क्या ठीक है? कि वो तो मिलेगा, मोक्ष तो मिलेगा भगवान की भक्ति से, लेकिन एक प्रश्न है हमारा, ये है कि उससे कुछ माल टाल मिलेगा कि नहीं? क्या मिलेगा? माल टाल मतलब कपड़ा, मकान, दुकान, ऐशो आराम, बीवी, बच्चे, गाड़ी, मोटर, प्लेन आदि आदि आदि, स्वर्ग आदि आदि। जिसको बासी खाने की आदत लग गई है उसको ताजा खिलाए तो अच्छा नहीं लगता। समझ में आता है? जो कीचड़ में घूमते हैं, अभी मैं बताना नहीं चाहता, सुअर के सामने पूरन पोली भी रखो, पूरन पोली उसको अच्छी नहीं लगती। क्या कहा? सुअर के सामने पूरन पोली भी रखेंगे तो उसको सुहाएगी क्या? क्या चाहिए तुमको? तुम क्यों खुश हो रहे हो? ये तो सुअर की बात कर रहा हूं मैं, किसको चाहिए भाई? चलो सुनो सुनो, हाँ मैं क्या कह रहा हूं ऐसे? शंकाकार को बस क्यों ना जाने, वो कह रहे हैं खाने पीने को बड़े मजे है ना, वो कह रहा है अरे भूखी मिट जाएगी। नहीं नहीं साहब, लेकिन जलेबी वलेबी, अरे भूखी मिट जाएगी। और सुनो एसी वैसी, अरे तुमको गर्मी नहीं लगेगी। वो बात नहीं समझता, दवा वगैरह सब, अरे बीमारी नहीं होगी। बुढ़ापे में वैसी वाली साइकिल, कौन सी वाली? वो बटन व्हील चेयर, वो तो मिलेगा हमको, वो तो मिलेगा। कौन सी कंपनी की है वो? वो तो मिलेगा हमको। कह रहे नहीं नहीं तुमको ऑस्ट्रिच की आवश्यकता क्या है? तुमको एकदम, तुम चुस्त रहोगे, आनंद वीर के धारी होंगे, तुम्हें चलने फिरने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं 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 लेकिन वो कुर्सी तो चाहिए। कैसा बेवकूफ है, आप समझते हैं? तो उसको ये प्रश्न है, उसका भोगों की प्राप्ति होगी कि नहीं, ये हमारा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? भोगों की प्राप्ति होगी कि नहीं, ये हमारा प्रश्न है भगवान की भक्ति से। तो देखो क्या कह रही है, यह कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है। किस प्रयोजन की? मोक्ष की, मोक्ष की। परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, प्रश्न भी गलत है उसका। क्यों? इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो। दुख का विनाश मतलब इंद्रिय दुख को दुख कह रहा है, वो कायदे से इंद्रिय सुख को दुख कह ही नहीं रहा है। कितने जन बात को समझ रहे? ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं? यदि हमको कोई ये प्रश्न पूछता तो हम उसको क्या एक्शन लेते? कोई बताएगा?
गेट लॉस्ट यू पुलिस फेलो। बकता है हमारे यहां पर, हम ये कह रहे मोक्ष मिलेगा और तू कह रहे खाने पीने मिलेगा, लड्डू मिलेगा। लेकिन टोडरमल जी साहब ने कैसा अप्रोच किया, देखो देखो उनकी धीरता गंभीरता देखो। वो जानते हैं मंदबुद्धि जीव है, नए नए कदम रख रहा है इस मार्ग पर, उसको आकर्षणा भी बोलो भोगों का होना क्या चाहिए, पागल है क्या, भोगों का आकर्षण उसके पड़ा है, होना चाहिए नहीं, अभी छूटेगा नहीं तुरंत। तो देखो क्या करे, जो अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि विशुद्ध परिणाम होते हैं उनसे अगत्य कर्मों की साता और आदि पुण्य प्रकृतियों का बंद होता है, और यदि वे परिणाम तीव्र हो तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंद हुआ था उन्हें भी मंद करता है अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है, और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयं इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयं दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। हो गया, उसका समाधान कर रही है, बहुत अच्छा। सामने वाला बोला, अभी सामने वाला खुश, कि उसने प्रश्न क्या पूछा था, सब वो मिलेगा क्या हमको माल। अरे हम कह रहे तुम बासा खाते हो, ऐसा नहीं, नहीं नहीं सब बासा मिलेगा क्या, हम ताजा भी खाएंगे बासा बासा। सुनो, हाँ मिलेगा ना बासा, खूब मिलेगा, तुम मत चिंता करो। तो वो भी खुश हो रहा है, आगे देखो क्या बोल रहे। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है, यह भी होता है। तो और क्या होता है, मोक्ष सुख तो होता ही है, ये तो बोल ही चुके हैं। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक है वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का सहयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्री दूर करते हैं। क्या बोल रही है, अरे एक तो तुम्हारी प्रकृतियों का ही ऐसा होगा, खलबली मच जाएगी कर्मों में, तुम्हें पुण्य पुण्य उदय आएगा, और दूसरी बात कह रहे हैं देव भी तुम्हारी आकर सहायता करेंगे, जैसे चंदन बाला की, जैसे श्रुत सागर की, जैसे मानतुंगाचार्य की, जैसे वो धनंजय कवि के पुत्र की। अरे समझ में आता है, कितने जन पकड़ रहे बात को, ये देव भी आकर खूब चमत्कार करेंगे, मत घबराओ मत चिंता करो। सेकंड, अभी थर्ड, इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंतों के द्वारा होती है, परंतु ठीक है अब ये छोड़ दो, अब यहां पर होता है बोला, लेकिन कह रहे हैं तुम मत इस पचड़े में पड़ो, बासा भी मिलेगा लेकिन तुम बासा खा के बेटा तुम बीमार हो जाओगे। अभी देखो अंत क्या कर रहे, अंत मेरे चर्चा किस बात को लेकर चल रही है, मांगना फल के रूप में, फल के रूप में दो फल तो यहां पर बताए, एक तो यहां पर लिखा समस्त कषाय को मिटाना साधन है फल, और ऊपर जाते जाते इंद्रिय सुख मिलेगा, मिलेगा देवगति की प्राप्ति होगी, फिर और कामदेव होगा, चक्रवर्ती होगा, तीर्थंकर होगा, फलाकर होगा, मंडलीक महामंडलीक अर्धमंडलीक राजा महाराजा देवादिदेव ये सब बनेगा तू बीच बीच में। लेकिन सुनो एंड, पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है। लेकिन इस प्रयोजन से यदि तुम भक्ति करने जाओगे, भगवान मेरा केस निपट जाए, भगवान मेरी नैया पार करा देना, भगवान उसकी खटिया पड़ोसी की खटिया खड़ी कर देना, भगवान जब चाहे कानू माइक पकड़ता रहता है कानू की बोलती बंद कर देना आज, अभी इस ये मांगने के लिए कोई भगवान के सामने खड़ा होगा तो उसके लिए क्या बोले, ये पाप बंद ही होगा। इसलिए अपने को इस प्रयोजन करते होना योग्य नहीं, अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो बोलो तो स्वयं अपने आप, जो अपने आप मिलेगा उसको मांग कर क्यों जहर घोल रहे उसमें। कितने जन प्रकरण को पकड़ा, और एक प्रकरण खोलिए जल्दी, 274 274 जल्दी 274 आराम से खुल जाए, शिमशिम खुल गया मेरा, चलो हाँ 274 आ गए आप, देखिए देखिए अभी आपको बहुत और मजा आएगा। अभी सियादवाद शैली को समझो सब, ए तुम गए थे इसके लिए कहने को, और तुम वहां पर जाकर कह के आते ना, ये तुम माइक का कोई कह कर आओ भैया इसको
ठीक करो, बोलना, आवाज बढ़ाओ इसकी। कहाँ पर आए? 274 पर। अभी यहां पर क्या प्रकरण से अथवा छह लिखा देखो, कह रहे हैं जो भगवान के पास आकर, मैं उदाहरण देता हूं, आप सिद्धांत बताओ। किसी की पत्नी खूब जिद करती है, मुझे साड़ी दिला दो, साड़ी दिला दो, साड़ी दिला दो, ही साड़ी दिला दो। अच्छा भी है और बुरा भी है, क्या बुरा और क्या अच्छा बताओ। उसकी बहुत प्रशंसा की, जो अपने पति की, पति का बहुत पीछा नहीं छोड़ती, और साड़ी दो, साड़ी दिला दो, साड़ी दिला दो, दीपावली आ गई, दीपावली आ गई, चमचम वाली साड़ी दिला दो, उसकी प्रशंसा कोई कर सकता है? सुनो सुनो, मैं अभी से अद्वा छेली बताता हूं आपको। एक दिन क्या हुआ, पति चला गया बाहर, पड़ोसी आ गया चुपचाप घर में, आज डंडे खाने का दिन है क्या इसके, क्या मालूम क्या होता है, देखते हैं अपन। चुपचाप गया, दरवाजा खोल के कहता है, गुड मॉर्निंग मैडम, है तुम कैसे आ गए, क्या बात है? अरे आप घबराओ मत, ये लीजिए आपके लिए साड़ी, ठीक है। वो महिला क्या करेगी? वो महिला चप्पल लेगी और गाल में खींच देगी। बदतमीज, तुम्हें तमीज नहीं है जो तुम ऐसा बर्ताव करते हो? देखो सुनो सुनो, उस महिला की सराहना क्यों करनी चाहिए? कह रहे मैं फटे कपड़े रह लूंगी, कैसी भी रह लूंगी, लेकिन दूसरों के हाथ का कभी नहीं लूंगी, गेट आउट, जल्दी बाहर निकल जाओ, नहीं तो पूरा चौका बरस जाएगा तुम्हारे माथे। चौका समझते हो, बेलन फेलन सब, जल्दी भग जा भग जा। और धड़ाधड़ धड़ाधड़ आवाज आ गई। सुनो, यह सराहनीय है कि नहीं? उसका काम कितना भी होने पर भी पड़ोसियों से कुछ नहीं, जीत करना हो अपने घर से ही जीत करेंगे, लेकिन ऐसा होने पर भी बोलो, घर पे परिस्थिति जब गरीब परिस्थिति है तो इतनी जीत करना अच्छी बात नहीं है। कितने जन समझ रहे? यहां पर सिद्धांत में कौन घटित करके दिखाएगा इसको? सिद्धांत में कौन घटित करके दिखाएगा? सिद्धांत में कौन घटित करके दिखाएगा? भगवान के पास जो आकर यहां पर बीवी बच्चे की मांग करता है, पास होने की कामना करता है। बाहर तो ये चलता है, जितने भी बाहर मंदिर है, एग्जाम के टाइम में भीड़ होती है वहां पर, भीड़, मार्केट आ जाता है, भगवान की वैल्यू बढ़ जाती है एग्जाम के टाइम में, एक भी पेपर जांचना नहीं और पूरा मार्केट आ जाता है उसको। अच्छे अच्छे नास्तिक भी भगवान की चक्रे काटने लगते, साहब आप थोड़ा ध्यान दे देना, समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये कह रहे, जो भगवान के पास आकर कुछ मांगता है तो इतना तो अच्छा ही है। क्या अच्छा है अब कौन बताएगा? सिद्धांत, क्या अच्छा है बताओ? इतना तो अच्छा ही है कि आखिर तक कम से कम कुदेव कुशास्त्र कुगुरु के पास हरगिज नहीं गया। लेकिन सुनो, भगवान के पास मांगना ये निदान नामक अर्थ ध्यान है। क्या है? निकांक्षित अंग भी नहीं पल रहा है आपका, यह बात तो खराब ही है। स्यादवा छेली कितने जन समझ रहे हैं? स्यादवा छेली समझ रहे? देखो देखो सुनो, तथा कितने ही पुरुषों ने, लास्ट पैराग्राफ, तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्र आदि की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्ट आदि दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजन आदि कार्य किए, समझ रहे सब, स्तोत्र आदि के नमस्कार मंत्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है, एक, निदान बंद नामक अर्थ ध्यान होता है, दो, पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, तीन, इसलिए पाप ही बंद होता है, परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंद का कारण कुदेव आदि का तो पूजन आदि नहीं किया, इतना इसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं। इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है। कितने जन ने बात को पकड़ा? कल बचा हुआ प्रकरण फल का थोड़ा और रह ही गया, तो फल का प्रकरण पूरा करके कंटिन्यूएशन में हम और आगे बढ़ते चलेंगे। ओम नमः।